लोगों ने सुना होगा कि जो बड़ी एडटेक कंपनी है बायजूस, उसके अगेंस्ट एक सीआईआरपी का एप्लीकेशन फाइल किया गया था बीसीसीआई के द्वारा, एंड एनसीएलटी ने उसको एक्सेप्ट कर दिया था ये बोल के कि अब बायजू का सीआईआरपी इनिशिएट किया जाए। आपको पता होना चाहिए कि बायजू ने बीसीसीआई के साथ एक स्पॉन्सरशिप अग्रीमेंट एंटर की थी जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो स्पॉन्सर करेंगे, 154 करोड़ के कुछ ड्यूज बाकी थे जिसके वजह से बीसीसीआई ने ये सीआईआरपी इनिशिएट करने का एप्लीकेशन फाइल किया था। जब एनसीएलटी ने सीआईआरपी इनिशिएट करने का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया और ऑर्डर पास किया तो बायजूस ने इसके अगेंस्ट अपील फाइल की एनक्लैट में। अपील का ग्राउंड ये था कि बायजू ने एक सेटलमेंट ऑफर किया बीसीसीआई को ये बोल के कि बायजू रविचंद्र बायजू इज द यू नो चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ बायजूस, उसके भाई रीजू अपना पैसा अपने पर्सनल फंड्स को यूज करके बीसीसीआई के सारे ड्यूज को पे ऑफ कर देंगे। आज ही एनक्लैट ने अपना ऑर्डर पास किया जहां पे एनक्लैट ने बोला है कि अगर ये सेटलमेंट देने के लिए रेडी है और पैसा देने के लिए रेडी है तो बीसीसीआई शुड एक्सेप्ट दैट ऑफर, एंड ये बोल के उन्होंने बायजू के अगेंस्ट सीआईआरपी इनिशिएट हुआ था उस ऑर्डर को क्वाश कर दिया। तो जी हां गाइस, बायजू के अगेंस्ट अब सीआईआरपी इनिशिएट नहीं हो रहा है, बायजू इज नॉट बीइंग डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट एंड बायजू अपना काम जैसे करते आ रही है वैसे ही करेंगी। बायजू के जो फॉर्मर सीईओ थे उनको वापस कंट्रोल मिल गई है अपनी कंपनी के लिए। ऐसी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।